फिर नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटरजगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटरजगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक अच्छा सा प्यारा सा किचन, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने को मिलता रहेगा। और अगर आपको इस किचन के बारे में कुछ भी ज्यादा डिटेल्स जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं किचन की साइज की बात करूं तो ये अराउंड हमारा यहां से अगर आप देखेंगे किचन का साइज, ये यहां से लेकर यहां तक हमारा 9.5 फीट का ये किचन है। किचन ये हम लोगों ने पहले ये एल शेप में था, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसको पूरा यू शेप में कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन इसका जो डीप है, इसका डीप हम लोगों ने यहाँ पे कम किया है ताकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं यहाँ चॉपिंग के पर्पस के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लग पॉइंट दिया है ताकि अगर आप कुछ मिक्सर वगैरह भी चला रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे चला सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको यू शेप में इसको कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं, ये जो आप फिटिंग से देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरेज का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है। मैडम का जो रिक्वायरमेंट था वो स्टोरेज का बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने बास्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 बास्केट यहाँ पे हम लोगों ने दिया हुआ है। तो अगर मैं एक एक करके मैं आपको अगर बास्केट दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बास्केट है ये हमारा पूरा स्टेनलेस स्टील का बास्केट है, और नीचे हम लोगों ने यहाँ पे सीट वाला बास्केट लगाया है, और ये पूरा हमारा 304 ग्रेड का ये बास्केट आप देख पा रहे हैं। और नीचे में भी आपको ये प्लेन मिलेगा, क्योंकि प्लेन बास्केट क्या होता है कि आप हमेशा आपका जो जगह है वो ज्यादा यूटिलाइज होता है, ज्यादा आप स्टोरेज मिलता है आपको। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा 4 इंच का प्लेन है, जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं ये कटलरी है, और इसमें भी आपका नीचे वाला जो भी आप देखेंगे पार्ट ये भी आपका प्लेन है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये हम लोगों ने एक बोतल पुल आउट दिया है, बल्कि अभी हम लोग किचन में शिफ्ट नहीं हुए हैं तो फिर भी हम लोग स्टोरेज का अभी आपको पूरा हम दिखा दे रहे हैं टूर यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हम लोग का कटलरी है, अभी सामान वगैरह आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्शन किया हुआ है यहाँ पे, तो ये हिसाब से आप कटलरी का हिसाब यहाँ पे हम लोगों ने 4 इंच का दिया हुआ है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको 6 इंच का प्लेन दिया हुआ है, ताकि प्लेन में क्या है कि आप कुछ भी सामान अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लेन बास्केट का प्रोविजन देते हैं। और यहाँ पे आपका थाली वगैरह या फिर कढ़ाई वगैरह जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा प्लेन बास्केट में आप इसको आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ये कॉर्नर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉर्नर हमारा बहुत ही बड़ा एक कॉर्नर आपको मिलता है, जैसे कि आप स्टोरेज वगैरह देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा सामान रख रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये कॉर्नर पल्ला हम लोग इसको ऐसे बंद करने के बाद यहाँ पे आपको डस्टबिन का जगह है, जैसे कि आपका यहाँ पे अभी सामान वगैरह हम लोग का काम हो रहा है तो सारा कुछ रखा हुआ है। और इधर इस साइड में अंदर में आपको ये एक बास्केट हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है पीवीसी का, यहाँ पे पूरा यहाँ नीचे से अंदर तक आपको कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ओवन के लिए जगह किया है, जो कि आप देख रहे हैं कि ओवन हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 ये पूरा हम लोगों ने यहाँ पे फ्रोस्टेड ग्लास के साथ में ये प्रोफाइल फ्रेम पल्ला किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अंदर में पूरा हम लोगों ने यहाँ पे ग्लास का पूरा रैक वगैरह दिया है, लाइट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस समय यहाँ पे हम लोग चिमनी के लिए इसको कवर करने के लिए चिमनी का जो डक्ट है उसको कवर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको पल्ला किया हुआ है। यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज के लिए जगह मिल जाता है हाइड्रोलिक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह में भी आपको यहाँ पे जगह मिल जाता है स्टोरेज के हिसाब से। और यहाँ पे हम लोगों ने आपका एक्वागार्ड के लिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोविजन दिया है। तो अभी हम लोग का काम रनिंग में है, काम अभी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह में हम लोगों ने स्टड लगा के 6 इंच का ये स्टड है, और यहाँ पे स्टड लगाने के बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे 10 mm का पूरा ग्लास का एक सेल्फ दिया, ताकि आप कुछ भी यहाँ पे मसाला वगैरह का सामान यहाँ पे इजिली आप रख सकते हैं। इस साइड में भी हमारा एक कॉर्नर बच रहा था, तो इस कॉर्नर में भी हम लोगों ने यहाँ पे डी ब्रैकेट के हेल्प से यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्नर यहाँ पे ग्लास का रैक दे दिया, ताकि मतलब जो भी स्टोरेज है इस किचन का आपको स्टोरेज बहुत ही ज्यादा मिलेगा। और अगर मैं लॉक की बात करूं तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉल सीलिंग नहीं किया है, तो सीलिंग में हम लोगों ने सरफेस लाइट दिया है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा लॉक है, पूरा ये एल शेप में हम लोगों ने यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, और ऊपर में वो 3 इंच बाय 2 इंच का हम लोगों ने स्टार्टिंग दिया, जिसमें कि आप प्रोफाइल लाइट देख सकते हैं काफी सुंदर काफी बढ़िया लग रहा होगा आपको। और अगर मैं इसमें जो मेरा एक्रिलिक यूज हुआ है, जो इसमें लेमिनेट यूज हुआ है, ये लेमिनेट इसमें हम लोगों ने एक्रिलिक यूज किया है, जो कि व्हाइट एंड थोड़ा गोल्ड टाइप का ये हमारा एक्रिलिक है, और प्रोफाइल हैंडल जो है वो रोज गोल्ड का प्रोफाइल हैंडल है। तो उम्मीद करता हूं कि ये किचन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको किचन का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज किचन को इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये मोरक्कन टाइल्स हम लोग बोलते हैं, जो कि काफी ट्रेंडिंग टाइल्स है। ये अभी बहुत सारा किचन में इसका बहुत सारा वेरियंट आता है, बहुत सारा डिजाइन आता है,
तो इस तरीके से मोरकन टाइल्स आप कहीं पर भी किचन के स्प्लैश काउंटर में, लिविंग रूम के वॉल में, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये टाइल्स आपका 2x1 के साइज में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि किचन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।